वेलकम बैक टू माय चैनल रिगार्डिंग हेल्थ, जहाँ मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा, तो ऐसे सवाल बहुत सारे सब्सक्राइबर के मन में आ सकते हैं कि अगर कॉपर्टी लगी है तो ब्लीडिंग कितने समय तक की होती है, कि ज़्यादा होगी या कम होगी, कैसी ब्लीडिंग होती है, कितने महीने तक की रहती है, कितने दिनों तक की रहती है। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है जिन्होंने कॉपर्टी इंसर्ट कराई है। तो सो गाइस, तो अगर आपने कॉपर्टी लगवाई है आफ्टर डिलीवरी, अगर आपने कॉपर्टी लगवा ली है तो डिलीवरी के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो थोड़े टाइम तक ही, मीन्स आपको हफ्ते 15 दिन तक तो ब्लीडिंग रहती ही है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, हैवी का मतलब होता है कि आप दिन भर में कम से कम 7-8 पैड चेंज कर रहे हो, 5-6 पैड्स चेंज कर रहे हो, तो उसको हैवी ब्लीडिंग कहते हैं। अगर थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही होती है, मतलब एक आध बूंद खून के धब्बे खाली निकल रहे होते हैं, तो उसको इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं कहते हैं। तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको नॉर्मल पीरियड्स में कितना ब्लड आता था और कॉपर्टी इंसर्ट कराने के बाद कितना पीरियड डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना ब्लड आ रहा है नॉर्मल डेज। आप कंपेयर करिए नॉर्मल डेज में कितना ब्लीडिंग हो रहा है और आपको कॉपर्टी इंसर्ट कराने के बाद में कितना ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप ये नॉर्मली डिटरमाइन कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूटी में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको कम से कम 4-5 बार पैड को चेंज करना पड़ रहा है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब कॉपर्टी आपके यूट्रस में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो सूटेबल नहीं है आपके लिए, वो यूट्रस की वॉल को इरीटेट कर रही है, इसलिए कंटिन्यूसली ब्लीडिंग आ रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो उसको जाके तुरंत फ़ौरन निकलवा देना ही बेहतर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, डॉक्टर उसको चेक करते हैं, अगर वो नॉर्मल चीज़ नॉर्मल लगी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको मेडिसिन देके उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया जाता है। 1 या 2 दिन आप मेडिसिन खाते हैं तो ब्लीडिंग वगैरह सब बंद हो जाती है और सबसाइड हो जाता है। तो गाइज, अगर नॉर्मली आपने कॉपर्टी लगवाई है और ब्लीडिंग बहुत, मतलब आपको 4-5 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, मतलब 2-4 बूंद आ रहा है, आपने दिन भर में 2 ही पैड बदले हैं, तो इट्स नॉर्मल, वो 2-4 दिन में आप कॉपर्टी जैसे ही यूट्रस में एडजस्ट हो जाती है, वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर आपको नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल आपको जो मेंस्ट्रुएशन होता है, आपको जो नॉर्मल पीरियड होता है, वो हर महीने नॉर्मली आता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड लेट हो जाता है, शुरू में जब आपने कॉपर्टी इंसर्ट कराई है तो 1-2 महीने पीरियड लेट हो सकता है, 10-15 दिन पीरियड लेट हो सकता है, बट पीरियड आएगा, ज़रूर से आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, फिर आपको कुछ एबनॉर्मलिटी लग रहा है, तो आप उसको डॉक्टर को दिखाइए, अपने से इलाज मत करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी ऐसी ऐसी दवा मत खाइए कि ब्लीडिंग रुक जाएगी तो कोई ऐसी ऐसी आपने दवा खा ली, तो ऐसा कुछ मत करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए। बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो भी डॉक्टर को दिखवा के कॉपर्टी निकलवा दीजिए। और कॉपर्टी लगने के बाद ऐसे कुछ नहीं होता है कि बहुत दिन तक की ब्लीडिंग होती है, 1-2 दिन तक की ब्लीडिंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा बहुत दिन ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल गुड साइन नहीं है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है और अपने आप को चेक कराना है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना है, अपना HB लेवल टेस्ट कराना है कि आपको कहीं एनीमिया तो नहीं हो गया है ब्लड लॉस होने की वजह से, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और कॉपर्टी को रिमूव करा देना है। क्योंकि अगर वो अभी इतना ब्लीडिंग कॉज कर रहा है, आपको सूट नहीं कर रही है, आपके यूट्रस में बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो आगे चल के वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगी, तो इससे पहले ही आप उसको रिमूव करा दीजिए। अगर वो 2-4 स्पॉटिंग हो रही है, 1-2 दिन में वो बिल्कुल सबसाइड हो जा रहा है, तो इट मीन्स वो आपके लिए सूटेबल है, नॉर्मल है, उसमें कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, एंड बहुत सब्सक्राइब करिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा। सो मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।